जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें बस गुरु जी से गुरु जी को मांगना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे मन में कोई इच्छा होती है तो गुरु जी उसको खुद ही पूरा कर देते हैं। हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी के साथ मैं कब से जुड़ा हूँ, यानी कितने जन्मों से गुरु जी से जुड़ा हूँ, यह केवल गुरु जी ही जानते हैं। लेकिन इस जीवन में गुरु जी के विषय में मेरे परिवार को अपनी बुआ जी से 2018 में ज्ञात हुआ। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के निवारण हेतु पहले ही अनेकों पंडितों, ज्योतिषों, बाबा इत्यादि के चक्कर में भटके थे। पैसे भी पानी की तरह खर्चे, परंतु सब व्यर्थ साबित हुआ, जिस कारण हमारा विश्वास इन सब बातों से हट गया था। बुआ जी ने बड़े विश्वास से हमें बताया था, इसलिए मेरे घर वाले, मम्मी पापा दोनों बड़े मंदिर दर्शन करने गए। उन्होंने बताया वहाँ कैसे एक थाली में 4 लोग लंगर करते हैं। उनको गुरु जी की कृपा से गुरु जी का स्वरूप भी प्राप्त हुआ, किंतु अज्ञानतावश उसे दराज में रख दिया गया। इसके बाद में मैं अपनी मम्मी के साथ 2018 के अंतिम महीनों में और 2019 के शुरू में बड़े मंदिर गया और चाय प्रसाद एवं लंगर प्रसाद भी खाया। इसके बाद में मुझको याद नहीं मैं 2019 में कितनी बार बड़े मंदिर गया हूँ। 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा, दिल्ली में हजारों लोग प्रभावित हुए, किंतु गुरु जी की कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित रहा। 2021 में कोरोना की दूसरी वेव आई, जिसमें दिल्ली के बहुत लोगों को कोरोना हो गया और ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों की जान भी गई। हमारे आसपास पड़ोस में ऊपर नीचे दाएं बाएं सबको कोरोना हो गया था, किंतु गुरु जी की कृपा से हम लोग सुरक्षित रहे। गुरु जी तो सब जानते हैं और उन्हें मेरी मम्मी की सांस की बीमारी के बारे में भी पता है कि अगर उनको कोरोना हो जाता तो उनका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए गुरु जी ने हम सबको विशेष ब्लेसिंग से ब्लेस रखा। मेरे और भी सत्संग हैं जो मैं बाद में शेयर ज़रूर करूँगा। आज एक 2023 का छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। गुरु जी के बर्थडे वाले दिन यानी 7 जुलाई 2023 को मैं बड़े मंदिर गया था। मेरे घर वाले कुछ कारण से नहीं जा पाए, किंतु मेरी मम्मी और छोटी बहन ने गुरु जी से प्रार्थना करी कि गुरु जी उन्हें भी लंगर प्रसाद कराएं। मैंने उन्हें बताया था कि बहुत भीड़ होगी और सेवादार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, तब भी एक से ज़्यादा थाली मिलना बहुत मुश्किल था। यह गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं कि जब लंगर प्रसाद की लाइन में मेरा नंबर आया तो मेरे बिना कुछ बोले सेवादार अंकल ने मुझे 2 थाली के पैकेट दे दिए। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। भीड़ के कारण मेरा नंबर काफ़ी देर से आया था और घर पहुंचने में मुझे 4 से 5 बज गए। 3 घंटे के सफ़र के बावजूद इतने समय में भी लंगर प्रसाद ताज़ा ही रहा और मेरे मम्मी पापा और बहन ने उसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स के रूप में ग्रहण किया और हम सब ने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। मेरे परिवार के लिए मई का महीना बहुत शुभ साबित हुआ। मुझे और मेरे घर वालों को महीने के शुरू के दिन ही गुरु जी ने लगातार बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। गुरु जी, आप कहते हो मांगो नहीं मानो, किंतु हम तो अलग बुद्धि के मानव हैं, हमें क्षमा करें गुरु जी और हमारी प्रीत आपके श्री चरणों में लगाए रखना। हम मूर्ख आपका हाथ छोड़ भी दें, किंतु आपने जो हमारा हाथ पकड़ा है वह कभी मत छोड़ना। हमारी नैया के खेवैया इस संसार में और इसके बाद भी हमें भव सागर के पाल लगाना। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है।
संगत जी, ये बात सच है। जब भी हम कुछ मन में मांगते हैं और गुरु जी उसको झट से पूरा कर देते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि गुरु जी ने हमारी अरदास को झट से पूरा कर दिया। हम जब भी कुछ सोच के बड़े मंदिर जाते हैं तो वो अरदास ज़रूर पूरी होती है, चाहे वो स्वरूप मिलने की हो या वो हमारे लिए प्रसाद के लिए हो। इसलिए संगत जी, जब भी बड़े मंदिर जाएं, बिना मांगे हुए जाएं। हमें कभी भी गुरु जी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, हमें बस गुरु जी को मानना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।